ये 10 मानसिक लक्षण है तो आपको मानसिक बीमारी हो सकती है या आपने उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। जनरल पॉपुलेशन में, सामान्य लोगों में काफी सारे मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं और उसको लोग नजरअंदाज करते, उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, चलता है ऐसा समझ के छोड़ देते हैं। मगर मैं जो लक्षण अभी बोल रहा हूँ वे लक्षण यदि आप में या और आजू बाजू के और किसी व्यक्ति में आपको दिखाई देते हैं तो जरूर आपने साइकियाट्रिस्ट का, मनोविकार तज्ञ का सलाह लेना चाहिए। आप हमें उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन फोन्स उपलब्ध है और जो भी आपके सवाल है उसके बारे में आप जवाब हमारे से ले सकते हैं। हमारे काउंसिलर्स उपलब्ध हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10 लक्षण यदि आपको है तो, या उसमें से कोई भी लक्षण है तो, कौन से 10 लक्षण है? तो नंबर एक कि आपको दुख होता है, मतलब सैडनेस है, नर्वसनेस है, आप दुखी हो और वो कंटिन्यूसली 15 दिन तक है और 15 दिन से भी मतलब ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको कि आप दुखी हो और कोई कारण से हो या बिना कारण हो मगर 15 दिन तक यदि आप दुखी है तो, नंबर एक। नंबर दो, आपको मूड स्विंग्स है। मूड स्विंग्स है मतलब मूड आपका ऊपर नीचे होते जा रहा है, कभी आप दुख है कभी दुखी है, तो कभी आपको अच्छा लगता है, एकदम यूफोरिया हो जाता है और कभी एकदम एंग्शियस और टेंस हो जाते हैं आप। तो ऐसा मतलब ऊपर नीचे आपका मूड या भावना बहुत ऊपर नीचे हो रही है, तो यह दूसरा लक्षण है। तीसरा है कि आपको एंग्जाइटी है या चिंता है या वरी है, चिंता, वरी, एंग्जाइटी, और वो 6 महीने से ज़्यादा है। हो सकता है कि उसमें घबराहट है, चिंता है, बेचैनी है, बहुत ज़्यादा चिंता आप छोटी छोटी बात के ऊपर आप कर रहे हो और आप उससे ठीक नहीं महसूस करते हो, है ना, नॉट एट रेस्ट। तो ये है तीसरा लक्षण। चौथा है कि आप अकेले अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आप लोगों से अकेले मतलब विड्रॉ हो जा रहे हो, अकेले रहे तो ज़्यादा किताबें पढ़ना या ज़्यादा अपने अकेले रह के कुछ वीडियो पढ़ना या पढ़े रहना, लोगों को टालना, तो एक समस्या ये होती है कि अकेले रहना, विड्रॉइंग और आइसोलेटिंग योर सेल्फ। पांचवा, आपको कोई शक आ रहा है क्या किसी के ऊपर, बिना कुछ वजह आपको शक आ रहा है कि क्या ये मेरे खिलाफ है, क्या मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ शक कभी कभी आपको आता है लोगों के बारे में और वो बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट हो गया है, या फिर बार बार आपको कुछ विचार आते जा रहे हैं कि जो विचार ऐसे कुछ खास उसका कोई तथ्य नहीं मगर विचार आते जा रहे हैं, अब उसको वाजू में कर देते मगर फिर और विचार आ जाएगा, तो ये पांचवा लक्षण है। छठवा, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, समस्याएं अपनी जिंदगी की, वो आपको बहुत बड़ी पहाड़ जैसी लगती है, लगता है कि बाप रे इतना बड़ा, ये बहुत समस्या, मैं इसको नहीं हल कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा अंग पे आ गया, मतलब ऐसे लगता है सिंपल बाकी लोगों को, आपको यदि लगता है कि बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा समस्या आपको है और वो समस्या आपको डील नहीं कर पा रहे या डील करने में बहुत ताकत लग रही है, बहुत बोझ लग रहा है, तो वो छठवा लक्षण है। सातवां, आपको एकदम नींद कम हो गई है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्या है कि जो जिनको मानसिक समस्या होती है सबसे पहले जो तकलीफ दिखाई देती है वो है नींद का प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ज़्यादा नींद आ रही है या कम नींद आ रही है, और वो यदि हो रहा है तो आपने सतर्क होना जरूरी है और वो कंटिन्यूसली ऐसी नींद ना आना या ज़्यादा ना, कंटिन्यूसली चल रहा है बहुत दिन तक। आठवां, आप दारू, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इसके अधीन होते जा रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा तलब बढ़ रही है, उसका व्यसन करना चालू कर रहे हैं, लत लग रही है और पहले से बहुत ज़्यादा आप खा रहे हो, यह आठवां लक्षण है। नौवां, आपको गुस्से के ऐसे एकदम एपिसोड आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बाकी लोगों को समझता नहीं है कि इसने इतना गुस्सा क्यों किया, आपको भी समझता नहीं है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, बात तो बहुत छोटी थी मगर गुस्सा आते जा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आउटबर्स्ट ऑफ एंगर हो रहा है, तो ये नौवां लक्षण है। और दसवां, कभी कभी आपके दिमाग में ऐसे होपलेसनेस मतलब निराशा और विचार आते सुसाइड के कि कुछ पड़ा नहीं ज़िंदगी में, इससे अच्छा मर गए तो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे सुसाइड के विचार आ रहे हैं बार बार, या फिर सुसाइड करने की कोशिश की हुई है, अटेम्प्ट किया हुआ है, या यहाँ तक गए मतलब कोई बॉटल हाथ में ले लिया, गोली खा लिया, तो ये तो ऐसे 10 लक्षण यदि आपको है तो डेफिनेटली आपने उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। यदि आपके आजू बाजू में गिर
इर्द गिर्द में लोग दिख रहे हैं कि उनको ऐसे 10 लक्षण है तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट का सलाह जरूरी है। हमारे ऑनलाइन काउंसिलर्स उपलब्ध है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स जो है, समस्याएं जो है, जो आगे चल के बड़ी मानसिक बीमारी की शुरुआत हो सकती है, उसको जड़ से वहीं से आप निकाल सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो। हमारा जो लक्ष्य है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। अब हमारे उसमें पार्टनर बनिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, आपको जो अच्छा लगा तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि 10-15% लोग तो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है एट एनी गिवन टाइम। अभी भी मतलब 100 लोगों में से 10-15 लोगों को तो मानसिक बीमारी है ही, और उसके अलावा 10-15 लोग परसेंट 100 में से 10-15 लोग ऐसे और ज़्यादा है कि जिनको कुछ ना कुछ लक्षण है मगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, चलता है ऐसा तो होते रहता है, ऐसा करते रहते हैं। तो ये यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आगे जो ज़्यादा बीमारी होने वाली है उसको हम रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।